हेलो भाई, मैं बंकी। टोयोटा वालों ने जब से हाईक्रॉस को लॉन्च करा है ना, लोग बाग बिल्कुल भी क्रिस्टा को खरीद ही नहीं रहे भाई। लेकिन अप्रैल का महीना हाईक्रॉस के लिए इतना बेकार रहा, पूछो मत। उसका इतना गंदा सेल हुआ है ना, मैं बताऊंगा तो आप थोड़ा सा मतलब वो टाइप का हो जाओगे। पता नहीं क्या सीन है भाई, टोयोटा वाले डिलीवर नहीं कर पाए या फिर कुछ और सीन है, मेरे समझ से तो बाहर है। लेकिन हाँ, आज वाले वीडियो में अपन टोयोटा की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे, मॉडल वाइज से पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे, और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइजेज भी जानेंगे, और उनमें कौन कौन सा इंजन ऑप्शन मिल जाता है ये भी जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, मज़ा भरपूर आने वाला है। तो टोयोटा ने टोटल अप्रैल के महीने में 18,700 गाड़ियों को बेचा है, जबकि मार्च में आंकड़ा 25,119 यूनिट का था, मतलब 6,419 गाड़ियां कम बिकी है टोयोटा की। 6,419 गाड़ियां कुछ होता है भाई? ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया ना अप्रैल महीने का, इसमें कौन कौन सा मॉडल कितना बिका है आओ जान लेते हैं। इनके पास टोटल 8-9 प्रोडक्ट है भाई, लेकिन सेल्स फिगर 8 ही मॉडल का आता है। तो 8वें नंबर पे आई है इनकी वेलफायर, सबसे महंगी कार। इसकी भाई 5 यूनिट बिकी अप्रैल में, जबकि मार्च में आंकड़ा 38 यूनिट का था, मतलब 33 गाड़ियां वेलफायर की कम बिकी है। ये कार भाई 1,42,00,000 रुपए से शुरू होकर 1,54,00,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलता है ऑटोमेटिक के साथ, मैनुअल वगैरह देखने को नहीं मिलता। ये भाई जितनी कार वीआईपी देखने में है ना, उतनी वीआईपी ये कार भी है भाई, आपको मजा देगी बैठने पे, तभी तो इसका 1,42,00,000 रुपए दाम है। खैर, 7वें नंबर पे है भाई इनकी प्रीमियम सेडान, या फिर एकलौती सेडान भी कह सकते हो। इनके पास तो एक ही प्रोडक्ट है भाई सेडान सेगमेंट में, जिसका नाम कैमरी है। ये भाई 179 यूनिट बिकी अप्रैल में, जबकि मार्च में आंकड़ा 232 यूनिट का था, मतलब 53 गाड़ियां कैमरी की कम बिकी, 53 गाड़ियां। ये 54,95,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं, मतलब मोटा मोटी 55,00,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा इस कार को चलाने के लिए। ये भी कार आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ ही मिलती है ऑटोमेटिक में, मैनुअल वगैरह या फिर नॉर्मल डीजल पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलता। बाकी 6वें नंबर पे इनकी हाइलक्स, इसकी 264 यूनिट बिकी है अप्रैल में, जबकि मार्च में आंकड़ा 356 यूनिट का था, मतलब 92 गाड़ियां कम बिकी हाइलक्स की। ये भाई फॉर्चूनर का ही पिकअप वाला वर्जन है कह सकते हो। ये आपको 36,38,000 रुपये से शुरू होकर 45,21,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको डीजल इंजन मिलता है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ है। इस कार को शौक वाले लोग लेते हैं भाई, नॉर्मल लोग तो फॉर्चूनर ले लेते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा अलग दिखना रहता है ना रोड पे, वही इस गाड़ी को परचेज करते हैं टोयोटा से। खैर, 5वें नंबर पे आइए इनकी रूमियोन। इनकी क्या भाई, मारुति की ये प्रोडक्ट है, अर्टिगा का रिवाइज वर्जन है। इसकी 1,192 यूनिट बिकी अप्रैल में, जबकि मार्च में आंकड़ा 688 यूनिट का था, मतलब 504 गाड़ियां ज्यादा बिकी है रूमियोन की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक तरफ मारुति वालों के पास मारा मारी हुआ है अर्टिगा के लिए, लेकिन इधर भाई कोई पूछ ही नहीं रहा है, सेम वही प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी कोई नहीं पूछ रहा। खैर, ये आपको 12,31,000 रुपये से शुरू होकर 16,11,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, प्लस में आपको सीएनजी भी मिल जाता है, और ट्रांसमिशन की बात करते हो तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिलता है भाई। बाकी 4वें नंबर पे आई है इनकी फॉर्चूनर, बड़ी बड़ी सी एसयूवी, दबंगों वाली एसयूवी। इसकी 2,325 यूनिट बिकी अप्रैल में, जबकि मार्च में आंकड़ा 3,621 यूनिट का था, मतलब 1,296 गाड़ियां कम बिकी है फॉर्चूनर की, 1,296 गाड़ियां। ये आपको 39,95,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 56,68,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। हालांकि टॉप मॉडल लेते हो लेजेंडर, वो आपको डीजल इंजन के साथ मिलता है ऑटोमेटिक में, मैनुअल भी नहीं मिलता और पेट्रोल इंजन भी नहीं मिलता वहाँ पे। लेजेंडर को इन्होंने लेजेंड लोगों के लिए बना रखा है भाई। हालांकि इनकी नॉर्मल वाले भी कम महंगी नहीं है, महंगी है मतलब टोरा उसका भी है, लेकिन लेजेंडर का कुछ ज्यादा ही टोरा है भाई इंडियन मार्केट में। खैर, 3रे नंबर पे भाई इनकी हाई राइडर ग्रैंड विटारा का ही रिवाइज वर्जन है। इसकी भाई 3,252 यूनिट बिकी अप्रैल में, जबकि मार्च में आंकड़ा 5,965 यूनिट का था, मतलब 2,713 गाड़ियां हाई राइडर का भी कम बिका है, 2,713 गाड़ियां। हमने कल ही देखा था ना शायद से, मेरे को याद नहीं है भाई, मतलब बताया था ना ग्रैंड विटारा का सेल्स, उसका भी गिरावट है और इसका भी वही हाल है। ये 13,12,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 24,02,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, हाइब्रिड भी मिल जाता है, सीएनजी भी मिल जाता है, और ट्रांसमिशन के तौर पर मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ ही गाड़ी मिल जाती है। बाकी 2nd नंबर पे इनकी प्रीमियम हैचबैक है ग्लांजा। इसकी भाई 4,380 यूनिट बिकी है, ये बलिनो का ही रिवाइज वर्जन है, जबकि मार्च में आंकड़ा 4,319 यूनिट का था, मतलब 61 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है ग्लांजा की। ये आपको 8,00,000 रुपये से शुरू होकर 11,70,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें भी आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी भी मिल जाता है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ, डीजल वगैरह देखने को नहीं मिलता। बाकी 1 पे है इनोवा। यहाँ पे मैं दोनों का कंबाइन बता रहा हूँ, कंबाइन का मतलब क्रिस्टा और हाईक्रॉस का, दोनों का एक ही में बता रहा हूँ। अप्रैल में 7,103 यूनिट बिकी, जबकि मार्च में आंकड़ा 9,900 यूनिट का था, मतलब
2797 गाड़ी है, कम भी की 2797 गाड़ी, कुछ होता है भाई। टोयोटा की मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट तो इनोवा ही है ना भाई। अगर आपको दोनों का अलग अलग सेल्स देखना है तो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ज्यादा तो आपकी हाईक्रॉस ही बिकी है। खैर अगर आप हाईक्रॉस लेना चाहते हो तो 23,73,000 रुपये से शुरू होकर 37,06,000 रुपये तक मिल जाती है। वहीं अगर आप क्रिस्टा लेते हो तो वो 23,99,000 रुपये से शुरू होकर 31,42,000 रुपये तक मिल जाती है। दोनों में आपको, दोनों में तो नहीं लेकिन क्रिस्टा में डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ, और वहीं हाईक्रॉस लेते हो तो वहाँ पर आपको हाइब्रिड वाला भी सिस्टम मिल जाता है ओनली ऑटोमेटिक के साथ, नॉर्मल मैनुअल वगैरह नहीं मिलता आपको। तो यही कहानी है भाई टोयोटा की सारी गाड़ियों का। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। अप्रैल का महीना टोयोटा के लिए कुछ खास नहीं रहा भाई, लेकिन हाँ अगले महीने देखते हैं क्या सीन होता है टोयोटा के साथ। इस वीडियो से पहले मैंने बहुत सारी कंपनी का सेल्स बता दिया है भाई, आपको दो वीडियो ऊपर दिख रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।